नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में तेजी से जुट गए। बड़े सियासी खिलाड़ियों के साथ ही छोटे राजनीतिक दलों ने भी अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए। जिनकी जमीन यूपी में पहले से तैयार है वो अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ दल अपनी जमीन तेजी से तलाश रहे हैं। 2022 में गठबंधन का खेल अभी से शुरू हो गया। ओवैसी और राजभर की मुलाकात, तो वहीं अखिलेश यादव से संजय सिंह का मिलना बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहा है। अगले साल होने वाला चुनावी दंगल अभी से खास बनता जा रहा है। इसकी वानगी आज के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में साफ दिख गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे सियासत दिलचस्प होती चली जा रही है। किसी के सामने सत्ता को पाने का जतन है, तो किसी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जंग सूबे में जमीन बनाने को लेकर है। रास की बात यह है कि इसी नई जमीन को तैयार करने के जतन पर जिसमें ऐसे कुछ लोगों की एंट्री हो रही है जिससे यूपी चुनाव के समीकरणों में अच्छी खासी हलचल होगी। हालांकि रास की बात यह भी है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद अलग होगा। 2022 में यूपी में त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़े बड़े दिग्गजों की प्लानिंग यूपी में उतरने की चल रही है। मतलब ये है कि बीजेपी के लिहाज से अगले साल होने वाला चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। पंचायत चुनाव से आगाज भी हो चुका है। लेकिन मजेदार बात यह है कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और ओपी राजभर के साथ गलबहियां उन्होंने तेज कर दी हैं। ओवैसी और राजभर सत्ता से भले ही दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ताधारियों और सत्ता का ख्वाब देखने वालों की नींद जरूर उड़ा रहे हैं। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन किया गया और नामांकन के दौरान जिस तरह का बवाल देखने को मिला, खास तौर से बीजेपी और सपा के समर्थकों के बीच, उससे ये तो साफ नजर आ रहा है कि 2022 की जंग इतनी आसान नहीं रहेगी और राजनीति के छोटे खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को पहले ही तैयार हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव तक वो बड़े खिलाड़ियों का हर पैंतरा समझने की जुगत में लगे हुए हैं। वैसे बीजेपी 4 कदम आगे जरूर चल रही है, तभी तो यूपी की धरती से 7 नेताओं को मंत्री पद का चोला केंद्र में पहना दिया गया, जो कि जातीय समीकरणों से लबरेज नजर आ रहा है। वैसे भी 2022 का चुनाव ऐसा है जो 2024 के लिए राजनीतिक दलों की राह आसान करेगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2022 में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए पार्टियां किस तरह की जुगत लगा रही हैं। आखिर कौन 2022 में बाजी मारेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो वाकई में ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार किया और ऐसे में 7 मंत्रियों का
यूपी से जाना कुछ ना कुछ तो इशारा करता है, और उसमें भी जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में लोगों का चयन किया वो ये कहता है कि आने वाले चुनाव में वो शायद जातिगत समीकरण को साधते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर काम की बात करें तो शायद कोरोना आड़े आता है। कुछ ही दिन पहले संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके भी तमाम मायने निकाले जा रहे हैं कि शायद 2022 में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर असदुद्दीन ओवैसी और राजभर एक साथ मैदान में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि हम 100 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकेंगे, लेकिन क्या उन 100 सीटों पर ओवैसी के ताल ठोकने के बाद ओवैसी कुछ हासिल कर पाएंगे, या फिर वही वोट कटवा वाली स्थिति में रहेंगे, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इसमें कई सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 का चुनाव कौन सी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, अब इस सदस्यता अभियान से 2022 में कितना लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा यह भी जानेंगे। और समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विरोधी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका हम आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका अपने मेहमानों से परिचय करा दूं, आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से आकाश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई सालों से एक लंबा वक्फा उन्होंने पत्रकारिता में बिताया और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से जाना है उन्होंने, उनसे भी कई चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल मैं संजय जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ऐसे में 7 मंत्रियों का यूपी से ताल्लुक रखना, क्या 2022 के लिए जिस जमीन को तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या कुछ काम आएगा? देखिए, जब चुनाव होते हैं उसके पहले राजनीतिक दलों को अपनी कमर कसनी होती है, फेरबदल होता है, तैयारियां होती हैं, जमीन नापी जाती है, और कुछ जो मतदाता हैं उनको भी कहीं ना कहीं भापने की कोशिश होती है। तो मतदाताओं का मूड जो कोरोना काल से लेकर और कल के मंत्रिमंडल ने बिल्कुल साफ कर दिया, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हुई, डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी हुई, तो कहीं ना कहीं साफ इशारा था कि कोरोना में जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की तो हुई ही थी, लेकिन जो किरकिरी हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज थे, जिसकी वजह से इन बड़े चेहरों को भी जाना पड़ा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार हो रही है, उत्तर प्रदेश का भी जो फीडबैक है जो केंद्र को मिल रहा है पिछले 2 महीने से, देखिए बीजेपी में ही सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है। जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है राज्य का, वहां पे देखिए किस तरीके से उठा बैठक और साथ साथ तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। लगातार जो RSS के लोग हैं, लगातार जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं। BL संतोष हुए, तमाम ऐसे नेता जो हैं लगातार यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, नब्ज टटोली जा रही है कि क्या दिक्कतें परेशानी आने वाली हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे जहां तक दिखता है कि इस चुनाव में जैसा कि उन्होंने माहौल बना दिया कि विपक्ष तो है ही नहीं है, तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी, आम आदमी पार्टी जो अपनी यहाँ जमीन तैयार कर रहा है, इन सबके बाद बहुजन समाज पार्टी तो अपनी जमीन लग रहा है कि उसने बीजेपी के खेमे में ही डाल दी। बिल्कुल। लेकिन
जो सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए वो उनका खुद का भीतरघात है, उनको खुद से चुनाव लड़ना है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह 4.5 साल बीत जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को 200 कदम पे, उनके डिप्टी सीएम रहते हैं, उनके अगर खाना खाने में 4.5 साल लग जाते हैं और कई और नेताओं से तालमेल बिठा पाने में भी बहुत समय लगता है। अनुप्रिया पटेल से यहाँ तालमेल नहीं बिठता है तो केंद्र में भेजा जाता है। वो अपने पति के लिए यहाँ बहुत पहले से लगी हुई थी, उन्हें मंत्री पद दिया जाए। साथ ही ओम प्रकाश राजभर पहले से ही नाराज चल रहे हैं, वो ओवैसी के दामन में जा रहे हैं। हालांकि राजभर तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो वाकई में जिससे बीजेपी भी इस वक्त जूझ रही है। शबनम जी, ये तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप से ही लड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं शिवम जी ऐसा है कि ये अफवाहों का बनने के लिए इस बात को कहा जा रहा है, जबकि बीजेपी पूरी तरीके से अपनी हर चुनाव में जाती है और उसकी तैयारियां करने में अभी से जुटी हुई है। हमें कोई भीतरघात की ये नहीं है और किसी तरह का कोई कसम कसी लोगों में लड़ाई झगड़ा किसी तरीके की बात नहीं। अगर मुख्यमंत्री सीएम के घर नहीं जाते हैं तो अगर हम गिनने लगे तो तमाम मुख्यमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जो कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के घर नहीं, किसी आम मंत्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी आम मंत्री की बात नहीं हो रही है शबनम जी, उप मुख्यमंत्री हैं। मसला है, मैं समझती हूँ कि ये गलत है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जो चुनाव की तैयारी चाहे 22 की देखिए, क्योंकि धरातल पर जिस तरह ने मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और भ्रष्टाचार को मिटाहीन चलाया है, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक योजनाओं का लाया है, ये सारी चीजें चुनाव में हमें फायदा करेगा। जैसे कि अपने चुनाव भी जीते हैं, इसमें हम हमेशा अव्वल रहे हैं, इसकी वजह हमारा है भ्रष्टाचार को समाप्त करने का ये मुहिम है और एक ईमानदार मुख्यमंत्री छाया में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए हमें किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जो विपक्ष है वो इतना कमजोर होता चला जा रहा है कि एक आपदा के समय भी विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए लगातार आरोप लगा रहा है। इसमें से कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जिनकी सरकारें दूसरे राज्य में हैं, वहां भी आपदा के वक्त इसी तरीके का हाल रहा, जबकि वहां से बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिर भी आपदा को ये अपना राजनीतिक अवसर समझते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं, पर जनता समझती है क्योंकि जनता समझती है और 2022 में क्या परिणाम आएंगे वो भी पता चलेंगे। लेकिन कपीश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कोरोना काल में विपक्षी पार्टियां राजनीति करती रही, एक ऐसा वक्त था, विकट समय था जिस वक्त विपक्षी पार्टियों को साथ देने की जरूरत थी, उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने साथ ना देते हुए राजनीति करना शुरू कर दी, और वो कह रही हैं कि 2022 में हम अपने काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप, आपकी पार्टी कहां भाई है? इन्होंने काफी हो रही है, इन्होंने खुद को सर्टिफिकेट दे लिया है कोरोना काल का, इन्होंने खुद को सर्टिफिकेट दे लिया है, इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन को डिमोशन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो इन्होंने तो खुद मान लिया। और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि हमसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सहयोग सहायता करें, विपक्ष में बैठे हुए हम लोग हैं, हमने अपनी पार्टी की मदद से जो कोरोना में मदद हो सकती थी जनता की उत्तर प्रदेश के अंदर हमने की है, और आज भी समाजवादी रसोईयां चलती हैं, जन जागरण के अभियान हमने चलाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विपक्ष की नेता सोनिया गांधी चार चार चिट्ठी लिखती हैं हम लोगों की राय मशवरे से कि हम लोग एक सर्वदलीय बैठक कर लीजिए और सर्वदलीय बैठक करके एक निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि ये पैंडेमिक केवल सरकार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, और हमारी भी आप सहभागिता लीजिए, लेकिन देखिए उस पर एक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, और इनके प्रधान मंत्री माने सरकार को लिखी गई चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा साहब देते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं चल रही, सरकार तो सबकी है, जेपी नड्डा साहब उसका जवाब क्यों दे? तो आप खुद ही हमसे नहीं लेना चाहती हैं और खुद ही आपने सर्टिफिकेट दे भी दिया कि अपने मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को हटा करके,
क्योंकि उनको हटाना भी जरूरी था, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि वो ब्राउन चॉकलेट खिला रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी को ब्राउन चॉकलेट अच्छा नहीं लगा, वो गौमूत्र चाहते थे, कोरोना चाहते थे कि कोरोनिल जो है वो हरियाणा में दी जाए, उत्तराखंड में दी जाए खरीद करके। तो इस तरह की चीजें वो चाहते थे और उन्होंने किया नहीं, वो ब्राउन चॉकलेट खिला रहे थे तो उनको जो है व्हाइट चॉकलेट खिला दिया गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इन्होंने केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसके लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है कि एनपीए गवर्नमेंट की राइट ऑफ कर दिया गया खाते। जब धुरंधर मंत्री जो कि आपके अच्छे जाने माने थे, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हो, प्रकाश जावड़ेकर साहब रहे हो, रविशंकर प्रसाद साहब रहे हो और निशंक साहब रहे हो, इन सारे लोगों की छुट्टी सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि कहीं ना कहीं से मोदी जी को लगता था कि ये प्रश्न करते हैं, ये उंगली उठाते हैं। तो अब ऐसे मंत्रिमंडल का विकास किया गया है जो उन पर ना प्रश्न उठाए, जो ना मंत्रिमंडल में, वो सारा कुछ वही खुद कर लेना चाहे। क्योंकि आप देखिए अनुराग ठाकुर जो को प्रमोशन दिया गया है कि उन्होंने युवाओं को तरजीह दी है, नहीं शिवम भाई मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, हमारी बहन कह लेंगी हमारी बात। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए युवाओं को अगर आपने तरजीह दी है तो कई प्रश्न मैं खड़ा करता हूँ, मैं इस वजह से खड़ा करता हूं कि इसके मतलब जो मंत्री आपने हटाए और इससे पहले लोगों को नहीं दिया तो आपने युवाओं का अपमान किया। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि पढ़े लिखे इंजीनियरों को, वकीलों को और इसमें डॉक्टरों को हमने एडजस्ट किया है, तो सबसे बड़ी बात है जो भी मंत्रिमंडल आपने इनको दिया वो तो सब कुछ ठीक है। जनता देश की पुष्टि रही पिछले 7 साल में कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश चला रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए जब आप इस बात का दलील देते हैं, तो ये भी इन्होंने नहीं बताया। और सास की खीस कटौती पर निकाल दिया। भाई ये बताइए, पैंडेमिक एक्ट लागू था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था, केंद्र सरकार सो रही थी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी कार्य सौंप दी, जबकि आप देखें कि हमारा संविधान क्या कहता है कि जब पैंडेमिक एक्ट लागू होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होगा, भारत के लिए एक सकल नीति बनानी आवश्यक होगी, तो ऐसे में केंद्र सरकार निर्णय लेने की शक्ति हो जाती है। वो सारे राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार निर्णय लेती है, राज्यों की राय शुमारी करती है। लेकिन इस बार तो इन्होंने जानबूझ करके छोड़ दिया और फिर सारे राज्य आपस में राजनीति करते रहे और लड़ते रहे और बाकी शहीद होता रहा इस देश का नागरिक। और वही आईना इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया, सभी सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक के क्षेत्राधिकार को उठा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये सवाल शबनम जी से जरूर पूछेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आकाश जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, 2022 का चुनाव है और आम आदमी पार्टी अब सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, यानी अब आकर सदस्यता अभियान शुरू किया गया, क्या आपको नहीं लगता देर कर दी? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, इसलिए क्योंकि सदस्य अपने आप पहले भी बन रहे थे, अब हम लोग वृहद सदस्यता अभियान 1 महीने का अलग से चला रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहले आम आदमी पार्टी में सदस्य नहीं थे या सदस्यता कम चल रही थी, हर जगह पहले भी सदस्यता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन इस सदस्यता अभियान पे ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं आपके चुनाव पे आना चाहता हूँ। अगर आप याद करें भारतीय जनता पार्टी के वादों को, तो आप भी बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं और हमारी बहन शबनम जी भी यहीं बैठी हैं। इन्होंने महंगाई की बात करी, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, इन्होंने गुंडा राज की बात करी। अब मैं तीनों पे एक एक करके आता हूँ। महंगाई किसी से छुपी नहीं है, सरसों का तेल 180-185 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, डीजल 100 रुपए के आसपास है, आज सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, नंबर एक। नंबर टू, अब हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे। माननीय सांसद संजय जी ने पहले भी कागज निकाल कर दिखाया था कि कोरोना काल में किस तरीके से खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ। जेम पोर्टल पर जो रेट है उसके 5-5, 6-6 गुना ज्यादा रेट पे सामानों को बेचा गया, चाहे वो ऑक्सीमीटर मीटर हो या और भी कई उपकरण हो। उसके बाद अभी जो तैयारी कर रहे हैं ये लोग, किनका कहना है, लोगों का, डॉक्टर्स का कहना है, जो आने वाली वेव आएगी वो बच्चों के लिए घातक होगी। इन लोगों ने उस वेव को भी नहीं छोड़ा है, बच्चों के वेंटिलेटर्स में भी इन लोगों ने दलाली खाई है और कई कई गुना ज्यादा रेट, ये कागज के साथ हुआ है सारी बातें जो मैं आपसे अभी बोल रहा हूं। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, गुंडा राज पे, जिस पे आज दिल दहल गया और मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे बैठकर। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।
आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हम ये सारा तंत्र जो बना है, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, हमारा संविधान बना है। अगर पहले हमने देखा जिला पंचायत अध्यक्षी में किस प्रकार गुंडाई हुई, हमने ब्लॉक प्रमुखों में देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी वालों को फॉर्म देके दूसरी पार्टी वालों से कहा गया कि फॉर्म खत्म हो चुके हैं। और आज आपने देखा, आप याद करिए, आज तो इतनी ज्यादा गुंडाई हुई है कि कन्नौज में एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर थे उनके हाथ से खून बह रहा था, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आप समझिए एटा में क्या हुआ, वहां पर आज तक के कुछ जो बचे हुए रिपोर्टर्स हैं जो इस समय ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनको भी ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करना देना चाह रहे हैं। और मैं बहुत कह रहा हूं, बहुत ही विकट, बहुत ही सीरियस समय है जब हमारे पत्रकार भाइयों पे हाथ उठाया जा रहा है, चाहे वो पवन जायसवाल हो जिन्होंने नमक रोटी खाते हुए स्कूलों में बच्चों को दिखाया था, और चाहे वो सिद्दीक कप्पन हो जो जा रहे थे और जिनकी आज तक बेल नहीं हो पाई है। मुझे सवाल उठाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के लोकतंत्र और इस तरीके के संविधान की ये लोग बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान की जनता इस लोकतंत्र को और इस संविधान को देख रही है कि कैसे फॉलो कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जिन पर जिम्मेदारी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करेंगी अगर कोई गलत करेगा, तो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हाथ बांध के यूं खड़े हुए और योगी जी की चाटुकारिता में लिप्त हैं। तो अगर इसी तरीके का गुंडा राज हमको प्रदेश में मिलेगा तो शायद प्रदेश की जनता सब देख रही है, इस बार इनको बिल्कुल भी मौका नहीं देगी किसी प्रकार की। तीसरी बात, एक छोटी सी बात, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, ये लोग कहते हैं फ्री फ्री फ्री, मैं कहता हूं अगर नेता मंत्री सांसद विधायक को चीजें फ्री मिल सकती हैं तो क्या आम जनता को अगर पैसा बचाकर भी कोई फ्री सुविधा दी जा सकती है तो उसमें इनको इतना दर्द क्यों होता है? ये बात बहुत समझने वाली। ठीक है शबनम जी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे सेमीफाइनल खेलेगी क्या? हर तरफ गुंडा राज दिखाई दे रहा है, आज तमाम तरह की तस्वीरें आई हैं। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, आपकी सरकार है, सवाल आप ही पर बनता है, क्यों नहीं प्रशासन इतना मुस्तैद है कि वहां पर जो चीजें हो रही हैं वो ना हो? देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं कि अगर ये फ्री की बातों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं तो क्यों नहीं ऑक्सीजन दिला पाए कोरोना काल में? लोगों को फ्री फ्री करते हैं ऑक्सीजन देने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से आप टैंकर तक आपने उन लोगों पे केस करने की काम किया। हमारे दिल्ली के विधायक, ये देखिए रिकॉर्ड में, हमारे दिल्ली के विधायक का ऑक्सीजन सिलेंडर जिन्होंने अपने पैसे से खरीद कर लोगों की मदद करी, उनके ऊपर आप लोगों ने केस किया, बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो है ये तो मदद कर रहे थे लोगों की, आपने तो काम ही नहीं करने दिया किसी को जो काम करना चाह रहा था, चाहे वो कांग्रेस के श्रीनिवास हो चाहे वो कुमार विश्वास हो। उन लोगों को आगा जी सुन लीजिए, आगा जी सुन लीजिए, एक तरफा मत करिए। आपके आप जितनी भी गाली गलौज कर रहे थे मैं सुन रही थी, अनाप शनाप आप बयान दे रहे थे मैं सुन रही थी, उन संजय सिंह की संजय सिंह जान लीजिए आप शोर मचा के ये नहीं कर सकते ना कि आप, ठीक है, नहीं शोर नहीं मचाया जाएगा शबनम जी, हमारी डिबेट में शोर शराबे का कोई मतलब नहीं है। आका जी सुनिए पहले सुनिए, आप जवाब दीजिए, शांति से सुने जी। और जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार में रीशफलिंग हुई है उसको लेके हमारे जो वरिष्ठ मंत्रीगण जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनपे कोई आरोप नहीं है, कोई एक आरोप उनपे नहीं लगा सकता, उनकी योग्यता पे कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता और ना प्रधानमंत्री जी की योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चार टर्म, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, धीरे धीरे देश की पूरे धरातल को अच्छी तरीके से समझा और बहुत संजीदा तरीके से देश को चला रहे हैं और जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ा रहे उनपे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। और योग्यता अगर पूछते हैं सपा वाले तो सपा में योग्यता तो परिवार है, कपीश जी जवाब देंगे उसका, परफॉर्मेंस योग्यता है, तो यही अंतर है, इनके में परिवार का होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सब बनने के लिए मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष कौन था? उनका बेटा, योग्यता ये चाहिए थी। पर सवाल कुछ और पूछे गए थे आपसे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका सवाल कुछ और पूछे गए थे, ना कि किसी परिवार विशेष का होना योग्यता। तो अंतर यही है भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इसमें हमारे इधर परिवार से ज्यादा परफॉर्मेंस को तवज्जो दिया जाता है और इसीलिए शायद बोल लेने दीजिए आकाश जी, रुकिए बोल लेने दीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप जवाब दीजिए, उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए।
लीजिए, फिर आपको योग्यता खुद समझ आ जाएगा। वो क्यों इस सोने का चम्मच लेके नहीं जन्मे थे? ठीक है, अभी हम संजय जी से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले कपीश जी शायद कुछ जवाब देना चाहते हैं। कपीश जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कह रहा हूँ जी, नरेंद्र मोदी जी की आपने काफी तारीफ की, बिल्कुल करनी चाहिए, उस पद पर हैं उनको करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से हैं तो उनको करनी चाहिए, इनकी तो मजबूरी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई रिजल्ट कार्ड पे नंबर ही तो शो करते ना कि किसी का क्या परफॉर्मेंस। मैं तो सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, जीडीपी चली गई माइनस में, रसातल में, आपको मिली थी 2014 में 10 के पास, बेरोजगारी दर मिली थी 2.47%, आपने पहुंचा दी है इस समय 23%। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी नोटबंदी से लेकर के जीएसटी की गलत लागू होना, 32 बार यू टर्न करना, और उसके बाद कोरोना काल के पहले जो थी वो 9.8% देश की थी और यूपी की 15%, लेकिन अब वो 23% है, ये आपका रिकॉर्ड है। अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई में आपने देखा है कि पेट्रोल जो चीज 68 रुपए की मिलती थी आपने 100 के पार कर दिया, जो डीजल जो है वो 54-55 रुपए का था, उस 54-55 रुपए के डीजल को आपने 95 रुपए पहुंचा दिया है, जो गैस सिलेंडर जो है वो 350 से 400 में मिलता था वो आपने 950 से 1000 में पहुंचा दिया है। और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज, सीएनजी भी महंगी हो गई है। इस देश में 2014 तक जितनी भी हमारी सरकारें रही, जिसमें हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उस सरकार ने मिल करके केवल 45 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्जा लिया था इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और मुसलसल तरीके से जितने एम्स चल रहे हैं, जितने रुड़की हैं, जितनी आईआईटी हैं, डीआरडीओ है, इसरो है, ये सब उसमें लगा था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें हमारी बहन ये जानती होंगी कि सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जो संयुक्त राष्ट्र में आईना दिखाया था वो इन्हीं बातों का दिखाया था जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि 2014 से लेके 2019 तक का केवल मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 51 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्व बैंक से उठाया है, इतना बड़ा कर्जा 7 साल में, जो 65 साल को से पार है। और मैं पूछता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या दिया देश को? जो आपने 15 एम्स की बात कही थी उसमें से केवल 3% एम्स का पैसा आपने रिलीज किया। किसी के पास अपनी जमीन नहीं है, किसी के पास अपना भवन नहीं है, किसी के पास ओपीडी है तो भर्ती करने की जगह नहीं है, और किसी के पास अपना क्लासेस नहीं है। ये कौन सा एम्स आपने बनाया 7 साल? और दूसरी चीज मैं पूछता हूँ, इसके अलावा इसरो में भी कुछ नया आपने कर दिया हो? अरे आपने नाम खाली बदला तमाम चीजों का, उसका भी बदल लेती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास क्या क्या हुआ ये भी शबनम जी से पूछेंगे। एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि इनने मंत्रिमंडल का विकास किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप खुद देखिए अनुराग ठाकुर जी जो कि वित्त मंत्री राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन क्यों किया जबकि 7% पे आप -7% पे आपकी जीडीपी आ गई, तो और महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर सके अपने इकोनॉमिक्स से, तो आपने उनको बढ़ाया। और साथ ही आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही अनुराग ठाकुर हैं, ये वही राज्य मंत्री हैं, क्या आपने इसलिए उनको आगे बढ़ाया क्योंकि उन्होंने केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहा था, क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों को कहा था कि गोली मार देनी चाहिए अन्य समुदाय के लोगों को, एक मंत्री रहते हुए क्या इसलिए बढ़ाया? क्या गिरिराज सिंह को आपने इसलिए बढ़ाया कि क्या बोलते हैं रामजादे और हरामजादे में दो समाज में वो लड़ाई लगा रहे थे? क्या आपने इसलिए बढ़ाया? सीतारमन जी ने कौन सा ऐसा काम किया? ठीक है, अब हम आपके पास आएंगे आपके पास, प्रसाद जी बहुत समय हमारे पास है, सब जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा, जवाब भी मांगा जाएगा, सवाल भी पूछे जाएंगे। संजय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा गया, जब पंचायत सदस्य की बात आई तो कहीं ना कहीं साफ ये जाहिर था कि समाजवादी पार्टी ने एक लंबी बढ़त हासिल की, लेकिन बावजूद इसके जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वो बढ़त में है या बढ़त हासिल कर पाई है? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल की बात तो करूंगा नहीं, लेकिन जो जिला पंचायत के या क्षेत्र पंचायत के जो भी चुनाव जनता द्वारा हुए उसमें किसको बढ़त हासिल हुई, किसकी कितनी सीटें मिली, ये किसी से छिपा नहीं है।
तो जो सेमीफाइनल है वो तो हुआ था, ठीक है। और ये जो ये अपने सेमीफाइनल बात कर रहे हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने किस तरह से बनाया या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष किस तरह बना रहे हैं, ये तो कुछ वैसे ही है कि फुटबॉल के मैदान में आपने गोलकीपर को भी बंधक बना लिया, हटा लिया दो आदमी लगा के, और टीम को भी किनारे कर दिया, और खुद ही जो है पेनाल्टी शूट पे पेनाल्टी शूट मार मार के गोल कर ले रहे हैं, और इसके बाद कहेंगे हमने तो 10-0 से हरा दिया भाई। तो ठीक है, ये तो सब दिखता है। देखिए मैं बहुत तीखी टिप्पणी जरूर है, लेकिन मैं बहुत सीधी और सपाट बातें कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक बातें करने नहीं आया हूँ कि कपीस जी क्या कह रहे हैं और ये आकाश जी क्या कहेंगे। आम आदमी पार्टी अभी अपनी जमीन तैयार कर रही है, उसको जमीन तैयार करनी है। समाजवादी पार्टी की जमीन बनी हुई है, हालांकि उनकी जमीन भी खिसक चुकी थी, अब वो भी अपनी तैयारी में है। लेकिन जमीन जो 326 की मजबूत दीवार खड़ी की 2017 का चुनाव हुआ था, और अब 22 में उसके लिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको समाजवादी पार्टी, इनको आम आदमी पार्टी, इनको बहुजन समाज पार्टी और इनको जनता सब चाहती है सब इनकी फिर से सरकार बन जाए। लेकिन इनके अपने लोग जो आज इतने नाराज हैं, मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जी। एक बड़े ब्यूरोक्रेट से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि विधायक लोग क्यों नाराज हैं, वो बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि विधायकों की दाल नहीं गल रही है, उनकी जो आमदनी है वो बंद हो गई है, उनकी कमीशन खोरी बंद कर दी सरकार ने, इसलिए जो है वो परेशान है। हमने कहा मान्यवर ये माफ करिएगा, चुनाव में विधायक जी जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ता जाएगा चुनाव वोट मांगने जनता से, कमिश्नर और डीएम जाएंगे। तो कमिश्नर डीएम तो खूब कोरोना काल में जम के उन्होंने खूब लूट खसोट की, भ्रष्टाचार के जितने मामले आ रहे हैं सबूत सहित आ रहे हैं, तमाम ऐसे मामले जिस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है, इनके ऊपर चंदा चोर के आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर जो है कोरोना काल में खरीद फरोख्त में धांधली और कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं, तमाम ऐसे आरोपों के जवाब देने के बजाय ये सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप ना जांच कराएं, आप हमेशा कोई कहता रहे चोर चोर आपको, आप सीना ठोक के कहते रहे, तो वो अलग इशू है। लेकिन जनता के बीच में आपको जाना है, और जनता के बीच में जो महंगाई या जो भ्रष्टाचार या जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल 2022 में और इसका मुकाबला करना होगा, और साथ में भीतरघात का भी। बिल्कुल ठीक बात है शबनम जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से एक चीज बड़ी साफगोई से कही जाती है, और हर बार उनके मुंह से ये सुनने को मिलता है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हमने वो विकास पहुंचाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने साफ तौर पर आप पर ये सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का जो वादा किया था वो नहीं किया है। लब्बोलुआब यही है कि जिस वादे को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो वादा पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। देखिए, वो विपक्षी पार्टियां, उनका काम है आरोप लगाना, और चाहे वो आरोप अनर्थ लगाते रहेंगे। अभी देखिए हमारे पत्रकार महोदय ने भी साफ तौर पे कह दिया कि ये एक ऐसी ईमानदार सरकार है जो किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देती है। तो अगर ये बात वो खुद अपने मुंह से, तो इसी से इंसान समझ सकता है कि कोई इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार न कर रहा है, और इससे पहले अपने हिसाब से शब्द ढूंढ लेते हैं दूसरों के लिए। ये जो पहले सरकार नहीं रही उसमें लगातार भ्रष्टाचार होता रहा, जितने भी माफिया हैं वो फलते फूलते। अरे बच्चों का वेंटिलेटर छोड़ देना चाहिए कम से कम, तैयारी के चक्कर में कितना। देखिए वो क्या करते रहे शबनम जी, इसको छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2017 से उसके सारे कागज से उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, 2014 से प्रभु राम का चंदा चोरी करते हैं, आकाश जी रुकिए, उसका जवाब नहीं देते हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में हो जाती है 5 मिनट, उसका जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, वही जमीन आप 18 आकाश जी, आपका आपने जो सवाल पूछा मैं उसी का जवाब मांग रहा हूँ। आप रुकिए शबनम जी, आप गाइस सब लोग देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है बात करते हैं। गुंडा राज आज सबने देखा, सबके पास वीडियो है। आज तो पत्रकार भी जो है विक्टिम बन गए, चाहे वो एबीपी न्यूज के पत्रकार हो जिनके हाथ पूरा फट गया है, उनको दवा दवा के मारा गया, और चाहे आज तक न्यूज के पत्रकार जिनको मारा गया। आकाश जी, आकाश जी रुकिए, बात सुनिए, कैसी बातें शुरू हो रहे हैं। तो आप देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, 70 सालों में आपने दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, और हमने इन 4 वर्षों में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। मंत्री भी इसलिए हटाए गए क्योंकि विदेशों में थू-थू हो रही है, चाहे वो गार्डियन अखबार हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, और चाहे वो और दुनिया के जो बड़े अखबार हैं। कंपेयर करेंगे तो हमने बहुत तेजी के साथ विकास का कार्य किया है,
और निश्चित तौर पे अंतिम पंक्ति वाले अब जनता कह रही है विकास को रहने दीजिए, अब नहीं चाहिए, विकास हो गया, अच्छे दिन आ गए, गैस कनेक्शन नहीं होता था, अकाउंट नहीं होता था, आज जो अकाउंट के तहत उनके पास 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, इतना विकास हुआ, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने लगा और विकास हो गया, डीजल 100 रुपए के आसपास हो गया, इससे ज्यादा क्या शबनम जी, जनता को शबनम जी जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि हमारी सरकार सत्ता में है और हम जो भी इससे पैसा आ रहा है उससे विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विकास हो कहां रहा है? देखिए, अगर विकास नहीं होता तो इतने कम समय में, जहां पे ये 5 साल में एक एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते थे, हम 4-4 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहे हैं, कहां पे? और हमारा में? काम इंडिया में या बाहर का? अंतिम इंडिया में ही बना नहीं, अरे भाई देखिए, अगर आपको दिखता नहीं है, आपको हमारे विकास का अलग चश्मा है और अपने आपको देखने का अलग चश्मा है, तो आप अपने घोटालों को पहले देखिए, वो चश्मा घोटाले घोटाला तमाम घोटाले सपा के समय हुए और आम आदमी पार्टी के भी तमाम पर्चे खुलने बाकी है कि किस तरीके से किया है। आगा जी आप रुकिए, हमारे अभी बाकी है, मतलब आप बताएंगे समय कब खोला जाएगा, पहले जवाब दीजिए, जो चंदा चोरी हुआ है, रुकिए रुकिए, आता जी सुन लीजिए पहले, आपदा में अवसर मोदी जी की कहावत वही भूल गया, पास हो गया, आज जिस मोहल्ला क्लिनिक का अपना पीठ थपथपाते थे, हजारों करोड़ से जो बीजेपी आईटी सेल चल रहा है जिसका काम सिर्फ झूठ फैलाना है, लोग मरते जो क्लिनिक हमारी ऑपरेटिव नहीं है वहाँ आपके लोग जाके फोटो खिंचा के उसको वायरल करते हैं, आपको पता है गार्डियन अखबार ने बुराई करी थी तो आपके आईटी सेल ने नकली गार्डियन अखबार छाप दिया हिंदुस्तान में, नकली गार्डियन अखबार, मोदी जी जब रोए थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक घड़ियाल की फोटो ऊपर लिखा था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्राइज, घड़ियाली आंसू, एक अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, कुछ शर्म करिए कम से कम, कुछ देश में हमारी इज्जत जो बाहर बची हुई है वो थोड़ी बहुत और बची रहे, कोरोना काल में सबने देखा गंगा के किनारों की लाशों को, सबने देखा उनके कैसे राम नामी चादर छीनी गई, अब कह दीजिए नहीं देखी, नहीं दिखाई दी, अगर आप अपनी दिल्ली के लाशों को देखने के बजाय कहीं और लाशें गिनने के काम कर रहे हैं तो आपदा में राजनीतिक जमीन नहीं ढूंढा जाता, आपदा में जनता के साथ खड़े हुआ जाता है, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश से विपक्षी पार्टियां गायब हो गई थी, सभी विपक्षी पार्टियां, ये कई सवाल हैं, इस तरह के कई सवाल हैं आकाश जी, लेकिन 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 हमारे साथ इस वक्त कपीश श्रीवास्तव जी हैं, कपीश जी सवाल पूछा जाएगा और सवाल ही पूछा जा रहा है, आकाश जी आप रुकिए, अब आप रुकिए, शबनम जी आपने भी अपनी बात कह ली, आकाश जी आपने भी अपनी बात कह ली, कपीश जी बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, उनके पास पहुंचते हैं, कपीश जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में तो गुंडा राज था, लेकिन आपने जो गोमती रिवर फ्रंट का जो घोटाला किया वो अब सबके सामने है, आपने भी कम घोटाले नहीं किए भाई, कम से कम आपने हमको कहने का मौका दे दिया जी, और हम इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि हमको हमारी बहन की जो सरकार चली 4.5 साल हमें जेल नहीं भेज पाई, किसी एक पर कार्रवाई नहीं कर पाई, नहीं नहीं भैया, अपने विधायक पे कार्रवाई कर, नवाब आपके यहाँ घोटालेबाज थे उनको इन्होंने एमएलसी बना दिया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है, और उनके ऊपर रिवर फ्रंट हुई घोटाले का चार्ज था कि नहीं था, आज क्या, और आपने एमएलसी बना दिया उनको, वो गंगा जी में पवित्र हो गए, ऐसे ही बहुत सारी जगह हुआ है, 60% कांग्रेसी लेने के बाद आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात जी, कपीश जी को तो कह लेने दीजिए, करते देखिए हम जानते हैं आप और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, यही क्योंकि आप जिस तरह से शबनम जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये साफ तौर पर जाहिर करता है, कपीश जी आप लोग ठीक है, आकाश जी रुकिए रुकिए, कपीश जी तो हमारा हक है, हम कम से कम प्रश्न पूछे, ठीक है आप प्रश्न पूछिए, मैं भी यहाँ पर आकाश भाई हमें भाई हमको मारेंगे आईपीएस से मरवाएंगे, मार खा लेंगे, आकाश जी शालीनता का परिचय दीजिए, आकाश जी ये राजनीतिक मंच नहीं है, डिबेट है, डिबेट सबको बोलने का, अरे भाई हमें मौका देते हैं, हमें मौका हाँ। नहीं मुझे, हमें क्या पता डिबेट है मैडम, हम तो आकाश भाई हमें मौका देते जी जी है ना जी, बिल्कुल
मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए हमने तो गुंडों की सरकार चलाई थी, अच्छा पहले मैं भ्रष्टाचार पे बात चली गई थी रिवर फ्रंट। देखिए क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ और क्रिमिनलिस्ट साइड देखता हूँ, तो मैं आपको कुछ विधि का दर्शन करा दूं ताकि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और वो सामने आ जाए। 2017 के अंदर रिवर फ्रंट के घोटाले के ऊपर एक FIR लेकर के सरकार आती है। 154 CRPC की FIR में संघीय मामला जब बना तो 154 CRPC बनी, लेकिन जो CRPC ये कहती है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट आनी चाहिए, वो चार्जशीट 2021 तक नहीं आती। और 2021 में एक टिटिम्मा FIR फिर कायम किया जाता है, यानी कि एक FIR और। हम तो ये कहते हैं कि 319 और 311 CRPC के तहत आप नाम बढ़ा सकते थे, आपको एक FIR और ला करके केस को कमजोर करने की क्या जरूरत, हमारे ऊपर हमको फांसी चढ़ाइए ना, अगर हम घोटालेबाज हैं तो हमको जेल जाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं आपसे। लेकिन आपने पहली FIR पे चार्जशीट दी नहीं और दूसरी FIR लेकर के चले आए, और उसमें आपने कोई भी सपा के नेता को आप जोड़ नहीं पाए इतने दिनों तक, 4.5 साल। अब जाते जाते जोड़ दे तो एक अलग बात है, उसके लिए तो अब मिरेकल है ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन साहब इन्होंने अपने ही बघेल साहब को जोड़ दिया उसमें, जो जूतम पैजार इनके यहाँ हुई थी संत कबीर नगर में। अब मैं नहीं याद दिलाना चाहता क्योंकि उसमें एक हमारे मित्र दिवंगत हो गए, मुझे काफी खेद है। लेकिन बावजूद उसके जो बघेल साहब को किनारे लगाया गया था, बघेल साहब दूसरी जगह अपनी जमीन तलाश रहे थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई, गोरखपुर में छापा मार दिया गया। तो आप कहां जा रहे हैं दर्शन देने, बाकी तो बुक्कल नवाब का हमारे मित्र बता ही रहे थे। और मैं एक बात कह रहा हूं कि जब चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं आती है तो विचारण में अभियुक्त को उसका लाभ मिलता है, तो आप जितने 190 अभियुक्त बनाए हैं सबको लाभ मिल जाएगा। और आपने जो इंक्वायरी सेटअप कराई और उसके बाद जो परिणाम आया, आपने ये कहा तोहमत लगाई कि 1513 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और इसका 60% काम जो है वो हुआ, 90% होना चाहिए था। ये फीसदी में क्यों कार्रवाई कर रही है? आपका पेट्रोल हर दिन बढ़ रहा है तो और चीज के सामान के दाम और दिन नहीं बढ़ते हैं क्या? तो जेम पोर्टल पे भी अभी हमारे मित्र ने बताया कि क्या था, अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये कितने पे आपने किया, तो वो भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं। और जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हम लोग टेम्स नदी का लेकर के आए, लखनऊ के अंदर यादगार बना दिया, जो भी आता था बैठ खड़ा होकर के फोटो खींचता था, साइड में जाकर के चीजें लेता था, करोड़ों का फव्वारा लगा था, करोड़ों रुपए का जो पानी शोधन की यंत्र थी वो लगी थी, और आपने उसे बंद कर दिया। अरे सर हम अपराधी है, मान लीजिए हम भ्रष्टाचार किए, नदी ने नहीं भ्रष्टाचार किया, 2021 में हम लोग खड़े हैं, 2017 का वो दिन मैं आपको भी याद दिला दूं। कबीर जी रुकिए, आपने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, ठीक है, देश के जनता का पैसा, आपने आपने अपनी बात कह ली, आप सनम जी से पूछ लेंगे। कबीर जी रुकिए, आप बहुत शालीन प्रवक्ता हैं। देखिए अगर स्मारक घोटाला किया, अभी सवाल तो सुन लीजिए, 2021 में हम लोग खड़े हैं, 2021 में हम लोग खड़े हैं सनम जी, 2017 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिवर फ्रंट के किनारे पे जाते हैं और वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात करते हैं, लेकिन 2021 तक अभी तक वो जेल में क्यों नहीं पहुंचे? उसका पर्दाफाश होगा। और केवल रिवर फ्रंट का ही घोटाला नहीं, राशन कार्ड का देख लीजिए, तमाम पेंशन का देख लीजिए, फर्जी पेंशन्स बन रहे थे कोई देखने वाला नहीं, फर्जी राशन कार्ड बन रहे थे डुप्लीकेट, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी पेंशन दिया जा रहा था, तमाम घोटाले, बेरोजगार भत्ता में घोटाले, जहां हाथ लगा वहां आपके घोटाले, और सबकी जांचें चल रही है, जांचों को चलने में समय निश्चित तौर पर लगता है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें आप कितनी सफाई दे, उस सफाई से नहीं। लेकिन अगर हमने कहीं भी कोई गलती नहीं देनी है, अगर हम भ्रष्टाचार किए तो हमें जेल भेजिए, निश्चित तौर पे जांचें चल रही हैं, छापा पड़ रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले हर भ्रष्टाचारी का क्या हश्र होता है वो आप लगातार देख रहे हैं, उस पर
सीबीआई का 3.90% की सक्सेस रेट है और मट्टू कांड और आरुषि हत्या कांड में सीबीआई का क्या हुआ वो आपने देखा हम लोग किस तरीके से आपने अभी राजपूत वाले में लगाया बात 2022 की हो रही थी सारे विपक्षी पार्टियां छोड़िए लीजिए न्यायालय ने कहा सीबीआई है तोता यहां पर भी तोता निकला है चुनाव के बाद फिर चला जाएगा बुरा लगता है क्योंकि ये बाहुबली और धनबल वाले लोगों को ही अपने कैबिनेट में रखना चाहते थे तो भ्रष्टाचार ठीक है बाहुबल और धनबल का प्रयोग इस वक्त कौन कर रहा है सभी जानते हैं संजय जी एक सवाल रुकिए जो सवाल है उनके जवाब मिलते ही नहीं अब रुक जाइए संजय जी AIMIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है किसका घाटा होगा किसको डेंट पहुंचाएंगे देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया कम से कम डिबेट के आखिरी पड़ाव में जी देखिए आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है नहीं, सवाल इसलिए किया क्योंकि संजय जी हम लोग डिबेट में भटक जाते हैं जिन सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं 22 के चुनाव की तैयारी है बिल्कुल फोकस इसी पर होना चाहिए कपीश जी भी सहमत होंगे आकाश जी भी सहमत होंगे और शबनम जी तो हमारी बहुत अच्छी शुभचिंतक हैं और शबनम जी की थोड़ी सी बेचैनी भी है मुझे दिखता है इस डिबेट में क्योंकि ये रीता जी की बहुत खास हैं और बड़ा इंतजार था इनको कि रीता जी भी इस मंत्री रेश में थी और उन्हें भी बनना था लेकिन वो बनी नहीं तो आहत भी लगती हैं खुद भी अपनी पार्टी के नेतृत्व के निर्णय से आहत हैं इसीलिए बचाव ढंग से नहीं मैं कहीं से भी आहत नहीं हूं सुनिए सुनिए शबनम जी सुनिए 22 के चुनाव की बात हो रही है ओवैसी की बात हो रही है ओवैसी ने बंगाल में क्या किया बिहार में क्या किया और भी जगहों पे जहां लड़े वो जो आपका एक महापौर का और पार्षदों का चुनाव था सिकंदराबाद और हैदराबाद में उसमें भी क्या हुआ था ये सब किसी से छिपा नहीं है योगी आदित्यनाथ और आपकी पूरी कैबिनेट केशव मौर्य दिनेश शर्मा जितने भी आपके सुरेश खन्ना जितने बड़े मंत्री हैं वो ओवैसी को तो चुनौती मान लेते हैं लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल यहाँ पे है 3 बार सत्ता में रह चुकी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी आपको हर तरीके से घेरने के पिछले 2-3 महीनों में तमाम ऐसे मामलों पर उसने तमाम गंभीर आरोप लगाए और सबूत के साथ लगाए उन्होंने कागज दिए आपने जांच नहीं कराई आपने कोई जांच नहीं की ना आपकी तरफ से कोई सफाई आई अयोध्या इशू पे बहुत तमाम सारी मीटिंग्स हुई तमाम सारी बातें हुई लेकिन मीडिया के सामने अभी तक कोई ऐसी सफाई नहीं आई जिस पर चंदा चोर के जो आरोप लगे उस पर कोई सफाई आई हो दूसरी बात जो कोरोना काल में जो अभी इन्होंने कहा कि खरीद फरोख तमाम चीजें हुई उस पर संजय सिंह ने बहुत सारे सबूत के साथ तथ्य दिए हैं कि जो सामान दिल्ली सरकार में खरीदा गया 10 लाख में वो आपके यहाँ खरीदा गया 40 लाख में आपके यहाँ से कोई सफाई नहीं आई आप उसको सिरे से खारिज करती रहे मैंने पहले ही कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस आप चाहे जो करिए शबनम जी ने साफ तौर पर लेकिन इन सब चीजों को लेके आप कहती हैं कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है ओवैसी बहुत बड़ी पार्टी है ओवैसी से इनको खतरा है क्यों खतरा है ये देश की जनता और राज्य की जनता बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि आपका चुनाव फिर से लव जिहाद फिर से हिंदू मुस्लिम फिर से राम मंदिर मुद्दे पे ही लड़ना है जनता के विकास को छोड़ दीजिए आप ना बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं ना आप कोरोना काल में जो लोग प्रभावित हुए उनको मुआवजे को लेके या उनके रिहैबिलिटेशन को लेके कुछ बात कर सकते हैं ना ही आप जो है महंगाई को लेके बात कर सकते हैं कितनी महंगाई है डीजल और पेट्रोल को आप ऐसे किनारे करते हैं जैसे लगता है कि आपका कोई दौर ही नहीं था आप कभी पक्ष में थे नहीं आप कभी बैलगाड़ी पे मैं 71 का एक वीडियो आया था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे संसद गए थे और 70 पैसे सिर्फ कीमत बढ़ी थी पेट्रोल की जी। अब आज सोचिए आप कि 100 रुपए हर दिन 70 पैसे और इस पे इन लोगों को कुछ दर्द नहीं होता है तो गरीब आदमी का दर्द थोड़ा समझिए वरना ये चुनाव है और चुनाव में जनता अच्छे अच्छों को सबक सिखाती है समय आता है अरे संजय जी एक चीज और मुझे याद आई पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर एक बड़ा मजेदार वाकया सामने निकल कर आया अभी हमारे एक मित्र है उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी की पेट्रोल चोरी हो गई तो अब इस तरह की चोरियां भी देखने को मिलेंगी शबनम जी 2022 का चुनाव नजदीक है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी फाइनल कमेंट्स है और आप अब इसका जवाब दे सकते हैं देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए विकास कार्यों पे ही चुनाव लड़ेगी भले ही विपक्षी पार्टियां दलित तुष्टिकरण मुस्लिम तुष्टिकरण और तमाम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहेंगे तमाम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे पर जिनके द्वार पे हमारी योजनाओं से योजनाएं पहुंची हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हुआ है उनको इनके आरोपों में साफ तौर पे इनके घोटाले याद आ जाएंगे इनके किए गए
गलत कार्य याद आ जाएंगे, इनके समय की गुंडा राज और भ्रष्टाचार ध्यान आ जाएंगे। जनता निश्चित तौर पे इसको सराहती है, जनता के घर बिजली पहुंचे, गांव पे बिजली पहुंचे, आवास मिले, शौचालय मिले, किसान सम्मान योजना पहुंचे, इनके समय का गन्ना किसानों का कर्ज हमने भुगतान किया वो मिला, तमाम ऐसी चीजें, जहां पे एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं पूर्वांचल को, जितनी तरीके अडानी को दे रहे हैं पूर्वांचल में की है, उसको देखकर हम विकास कार्यों के लिए जनता जब उससे लाभान्वित होती है तो इनके जितने भी आरोप हैं वो धरातल से पाताल में चले जाते हैं। तो इसलिए हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम अपने चुनाव को चुनौती समझते हुए चुनाव में जाएंगे। चिंता इन्हें करनी होगी कि ये तुष्टिकरण किस तरह का करें, क्योंकि आज मंत्रिमंडल के कल के विस्तार ने फिर से एक बार ये प्रूव किया कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत ये सरकार केंद्र से लेके राज्य में चल रही है। ठीक है, बड़ी तो देर से आकाश जी अब बोलना चाहते हैं, समय पूरा हो चुका है शब्दम जी, अब आकाश जी फाइनल कमेंट आपका चाहेंगे। देखिए दो चीज मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये एक मेरे मित्र संपादक हैं, तो वो मुझसे कहने लगे कि यार आज बड़े अजीब सा वाक्य हुआ। मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो गया, तो बोले हमारे यहाँ वो जो झाड़ू वाड़ू लगाता है वो उसको कहने लगा कि साहब आप क्या लिखते हो, मैं आपसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही हमको लगता है ओवैसी जी ने जो योगी जी को चैलेंज किया तो योगी जी ने कहा कि ओवैसी जी बहुत बड़े नेता है, क्योंकि ये चाहते हैं फिर से चुनाव हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गोबर गौमूत्र कब्रिस्तान और शमशान पे लड़ा जाए, लेकिन जनता इस बार महंगाई से त्रस्त है, नंबर एक। नंबर दो बात कि मैं एक और हाथ जोड़ के शबनम जी मेरा संदेशा भी पहुँचा दीजिएगा, हम लोग आम लोग हैं, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिस तरीके से हुआ और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जिस तरीके से हुआ, गोलियां चलाई गई, पत्रकारों को मारा गया, बमबारी हुई, उस तरीके से अगर विधानसभा की आप लोगों को तैयारी है तो मेरा हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि कृपया करके योगी जी आए और कह दें कि इस चुनाव में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध घोषित होगी, और नहीं तो लट्ठों से मारा जाएगा आम जनता को, अब यही बचा है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई गरीब आदमी मार क्यों खाए, वोट नहीं डालेगा, आप फिर सरकार बनाइएगा और अब की जितनी विधानसभा सीटें सब जीतिएगा। ये आम आदमी पार्टी का मैं सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, उसके बावजूद मैं चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि अगर इसी तरीके से आपको लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान फॉलो करना है, तो आप कृपया करके इस बार गुंडाई कर लीजिए, लेकिन आप एक बार जान लीजिएगा आम आदमी पार्टी में बार बार कहता हूं राजनीति करने नहीं आए हम लोग जननीति करने आए हैं, दिल्ली में करके दिखाया है और आप लोग डर गए, तो इसीलिए आपने 1.5 महीने पहले अध्यादेश लाकर जो बचे कुछ जो अधिकार थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वो भी छीनने का काम किया है, जिसको जनता ने चुन के भेजा था। तो कृपया करके अगर अकेले जाना है तो जाइए, लेकिन गुंडाई ना करवाइएगा वहां आईपीएस अधिकारियों से और आईएएस अधिकारियों से, बस ये मेरा निवेदन। कबीर जी, छोटी पार्टियों से गठबंधन की बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है और जो है केमिस्ट्री कोई हमारी सांप्रदायिक दल से केवल हमारी दूरी है, बाकी हमने कहा है कि हम छोटे दलों के साथ अपना तालमेल भी करेंगे और केजरीवाल साहब ने दिल्ली में अच्छी सरकार चलाई, इसमें कहां जोड़ा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरह की गुंडई इस समय चल रही है और बीजेपी सदस्यों को जिस तरीके से हमारे ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा नहीं लेने दिया जा रहा है, हर ब्लॉक पर हमारा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है पुलिस से और लाठी खा रहा है और सर पलवा रहा है। या आपने देखा होगा कि सुबह जो है वो वीडियो भी रिलीज हुआ था कि देवरिया के अंदर जो है हमारे पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह जी को किस तरीके से अकेले वो गए थे लेने के लिए कि हम अकेले जा रहे हैं, हमको अकेले जाने दीजिए, तो वो अकेले भी नहीं गए, सारे कम से कम 50 पुलिस वाले उनको ऐसे ही हाथ में टांग करके ले। तो ये है इनकी लोकतंत्र की हकीकत। और एक चीज हमको कहते कि भाई देखिए इन्होंने कहा कि हम तुष्टिकरण नहीं करते, सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो हम तो एक बात पूछते हैं कि साक्षी जी महाराज ने तो आपकी बोली खोल दी थी, और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आपने जातीय समीकरण भी नहीं साध पाए, क्योंकि आप ये बताइए निषाद पार्टी को आप साथ लेके चल नहीं पाए, निषाद पार्टी के वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं संजय निषाद जी कि प्रवीण निषाद को आप क्यों नहीं बना पाए। दूसरी चीज आपको बता दें, आपने जातों का कोई प्रतिनिधित्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लिया, आपने मौर्य समाज का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ जो काय समाज आपको भारतीय जनता पार्टी को और संघ को खून देता रहा है और
100% में 90% से ज्यादा वोट देता रहा है उस कायस्तों के कम्युनिटी को आपने, जाति को आपने छल दिया। एक ही मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनको भी आपने निकाल दिया, और एक कायस्थ से ही कायस्थ को लड़ा दिया था शत्रुघ्न सिन्हा जी को, पहले ही आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में एक भी कायस्थ पदाधिकारी आपका नहीं है प्रदेश स्तर का, तो ये काय समाज को भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या बंधुआ मजदूर पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और ये आपको अपने नेताओं के अंदर बताना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दी कि कोई सामाजिक समरसता आपके इस मंत्रिमंडल के विस्तार में नहीं है। ठीक है संजय जी, 2022 का चुनाव है, AIMIM जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या 2022 में भी वोट कटवा की भूमिका में ही होंगे? निश्चित तौर पर, और जो वोट वो काटेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे फायदे की उम्मीद है, इसीलिए बीजेपी, पूरी बीजेपी की जो टीम है उसको वो सबसे बड़ी चुनौती नजर आते हैं। बाकी उनको कोई चुनौती नहीं, समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई चुनौती नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी कोई चुनौती नहीं है, बसपा तो उनके खेमे में है ही है जैसे लगता है। तो निश्चित तौर पर लगता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो इनकी चुनौती से कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो बीजेपी ने अभी फिलहाल घोषित की कि असदुद्दीन ओवैसी ही हैं, उसके पीछे मंशा साफ है कि पूरा चुनाव बेस हो, हिंदू मुस्लिम एजेंडा हो, जात की पात की ये बात सरे से खारिज करती हैं शबनम जी, लेकिन पूरा अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो यूपी चुनाव को फोकस करके बनाया गया, उसमें कौशल किशोर को क्यों बनाया गया, अजय मिश्रा को क्यों बनाया गया, तो पूरा जाति और क्षेत्र दोनों को बेस बना के किया गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आखिर में जाके जाति पर ही, धर्म पे ही, और इन्हीं सब मुद्दों पे लड़े जाते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे पार्टियां जीतती हारती आई हैं। ये बात कहने की अलग है कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम जनता का हित ध्यान में रखते हैं, जनता का कितना हित किसने ध्यान में रखा है, चाहे वो कपीर जी की पार्टी रही हो, वो भी इसी तरीके की दावे वादे उनके भी आखिरी के 6 महीने साल भर में थे, और उनका भी हंस रही हुआ था कि 300 के ऊपर थे वो 2012 में थे और 47 पे आए मुंह की खाए। तो कहीं ना कहीं सबको यहीं पर मुंह की खानी पड़ती है, सरकार बनती है, 4.5 साल हो गए, आपने कहा तमाम एक्सप्रेसवे, कोई एक भी जमीन पर नहीं है, कम से कम आगरा एक्सप्रेसवे समाज मतलब जनता के बीच में आ चुका था, लेकिन आपका कोई एक्सप्रेसवे अभी तक दिखा नहीं है। गड्ढा मुक्त करने की आपने बात की थी पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं वो हो गई हैं, बारिश के बाद कहीं बनी नहीं है। तो निश्चित तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम आपके विकास के दावे की बातें हैं ये पूरी तरह से खोखली नजर आती है। ये पूरी तरह से जातिवाद का जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं मंत्री बनाकर और तमाम चीजों को संगठन में लोगों को लाकर, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो आप समायोजित कर रहे हैं और कुछ लोग फिर उपेक्षित हो जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि रीता जी उपेक्षित हो गई, संजय निषाद उपेक्षित हो गए, तमाम और लोग भी लाइन में थे, रमापति राम त्रिपाठी की भी चर्चा थी कि पूर्वांचल को साधेंगे वो, ये निश्चित तौर पर कायस्थ की बात कपीर जी ने करी थी। ठीक बात, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण जिसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मंत्रिमंडल में की, कहीं ना कहीं वो भी नहीं साध पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कपीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश जी आपने वक्त दिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए और आपने डिबेट में समय दिया। लेकिन जिन मुद्दों की पार्टियां बात करती हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, क्या वाकई में 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में वो विकास हो पाया है जिसके उन्होंने वादे किए थे? इसका जवाब तो अब 2022 में जनता देगी। धन्यवाद।